भाई जी राम राम सत श्री अकाल। मैं राम सिंह राणा गोल्डन एफ से। भाई जी मेरा आज होशियारपुर कुछ भाइयों ने बुलाया है तो वहां जा रहे थे, तो भी आज टाइम में राजपुरा के आसपास पिलखनी का जो कट है वहां एक जूस वाला खड़ा होता है लड़का, नाम तो शायद हमें नहीं पता। तो अभी जूस पीने के लिए मैं एक दो दफा सुबह मगर चलो एक गिलास किन्नू का जूस बड़ा अच्छा लगता है पंजाब का तो पीते हैं। तो अभी मैंने देखा कि एक गाड़ी थी वो उसको किन्नू दे रहा था, हमारे से पहले खड़ी थी गाड़ी उसके पास, मगर चलो उसका अपना कस्टमर होगा। लेकिन उसने लड़के को बताया भाई ये गाड़ी पुलिस वाले की थी और ये मेरे से 5 किलो किन्नू बगैर पैसे दिए लेके गया है। तो मैं बड़ा यार मन बड़ा दुखी हुआ, मगर यार पता नहीं लोग एक 200-400 रुपए की मजदूरी करने वाले आदमी को भी पता नहीं कैसे यार। अरे भाइयों प्लीज यार शर्म करो यार, हमने परमात्मा को जान देनी है। मतलब इतना नीचपना, मतलब मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी गलत है, लेकिन जो आदमी गलत है यार एक बारी सोचो, उसके बच्चे हैं, कितनी ठंड में एक आदमी खड़ा है, मजदूरी तो कर रहा है वो 10-10, 20-20 रुपए करके, आदमी पता नहीं कैसे शाम तक अपना 200-400 रुपए की दिहाड़ी बनाता है। और बहुत से आदमी किसी की मजबूरी का नजायज फायदा उठाना, तो मेरे को बड़ा मन दुखी हुआ। मतलब मेरा इतना मन खराब है, शायद अगर मेरे को उस टाइम पता लगता मौके पे ही तो मैं इस बात को जरूर दूसरे हिसाब से लेता, लेकिन मेरे को खुद शर्म आ रही है कि मगर यार देख क्या एक सिस्टम, एक पब्लिक ये नहीं सोचती कि भाई कितने मतलब शर्म की बात है। तो भाइयों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज ऐसा ना किया करो, ऐसा ना किया करो। हक का पैसा हमेशा आपके पास रहेगा और नाजायज और किसी का हक मारा हुआ पैसा कभी भी आपका साथ नहीं देगा। ये पैसा बीमारी पे लगेगा, कहीं ना कहीं गलत तरीके से लगेगा, तो प्लीज कभी किसी से कभी भी जिंदगी में नाजायज ना करो। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। थैंक यू।